वेलकम टू माई आरटेक चैनल आप लोग कैसे हो बहुत दिन बाद फिर से एक नया प्रोजेक्ट लेके आया ये सीमेंट स्कल्पचर है ठीक है जैसा मैं क्ले में करता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए अलग अलग टेक्निक अलग अलग प्रोसेस को मतलब टेराकोटा मोल्डिंग ये सीमेंट जो है ये डायरेक्टली काम भी कर सकते हैं और क्ले में काम करके प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड लेके फिर से सीमेंट कास्टिंग करके आप काम कर सकते हैं ठीक है तो आज जो मैं प्रोसेस दिखाता हूं जो स्कल्चर थ्री डी स्कल्चर है ये स्कल्पचर आप डायरेक्ट कैसे करें ठीक है ना तो ये थोड़ा मुश्किल है थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आ, कंस्ट्रक्शन का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ठीक है ना तो आप आइए आप लोग कैसे करें इसको घर में किसी का पोर्ट्रेट यहाँ पे देखिए एक आ, ये कमीशन वर्क है एक आ, मतलब अंकिल का वाइफ तो वाइफ का डेथ हो गया तो उन्होंने ये काम दिया तो फ्रेंड इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करें? ये जो बॉडी पार्ट है बॉडी पार्ट को हम लोग डायरेक्ट करेंगे लेकिन फेस जो पार्ट है ये हम लोग क्ले में करके इसको कन्वर्ट करेंगे मतलब मोल्ड और कास्टिंग प्रोसेस में ठीक है तो शुरू करते हैं आज ये देखिए प्लेटफॉर्म पहले से बना हुआ था रेडी है तो अभी फिलहाल इसके ऊपर कैसे कंस्ट्रक्शन करें ठीक है ना कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब यहाँ पे आ, मैं स्कल्चर को शिफ्टिंग नहीं करेंगे मतलब ये ये जो जगह जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहीं पे रहेगा और ये बैठा हुआ फिगर है ज़्यादा यहाँ पे एम एस मतलब लोहे का स्ट्रक्चर देने का कोई जरूरी नहीं है जितना मिनिमम देना चाहिए एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उतना ही मैं यूज़ कर रहा हूँ ठीक है ये देखिए बैठा हुआ एक फिगर तो उस मैं एट एम mm, नहीं तो टेन एम mm ये रॉड आप लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मैंने टेन एम mm का रॉड यूज़ किया है और जो जाली यूज़ किया इसको लोकली बोलते हैं मुर्गा जाली बोलते हैं तो ये जाली इसको हार्डवेयर दुकान पे मिल जाएगा शॉप में तो ये मुर्गा जाली आप बेंड करके मतलब जहाँ पे आप मसाला डालेंगे मतलब सैंड स्टोन और सीमेंट का जो मसाला होगा ये आप डालने के लिए एक जगह बनाना पड़ेगा ठीक है ना और मसला को भी पकड़ के रहेगा तो ये आप बना लीजिए और बॉडी का ऊपर दूसरा पार्ट और ये नीचे वाला जो पार्ट मैंने डाला एक गोलाई उसमें हमने सॉलिड मसाला डालेंगे तो ये देखिए आप मसाला अलग से रेडी करके नीचे वाला जो ड्राम मैंने यूज किया टीन का ये ड्राम में मैंने मसाला डाल दिया और ये जो नेट का जो अंदर वाला स्पेस मैंने बना के रखा था उसमें मैंने मसाला डाला ये मसाला जो है आप जैसा ढालाई करते घर में जो बनाते उस मतलब सेम मसला भी डा, डाल सकते थोड़ा सीमेंट भी ज़्यादा डाल सकते ऐसा जरूरी भी नहीं है स्टोन आप एकदम छोटा जो स्टोन बोलते हैं, उसको एकदम ही छोटा वो स्टोन आप यूज़ करें तो अच्छा है मतलब हैंडलिंग अच्छा से होगा और सही से आ, मतलब हर जगह में ये घुस जाएगा नहीं तो मोटा दाना होगा तो उसमें दिक्कत आएगा कहीं पे ब्लैंक स्पेस रह जाएगा ठीक है ना तो इसलिए छोटा जो स्टोन हो होता है वो यूज़ कीजिए तो ये देखिए आप मतलब धीरे 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 अंदर डालते जाइए और पानी जब छूटेगा और एक मतलब आधा घंटा बीस मिनट बाद बाद आप देखेंगे थोड़ा टाइट हो रहा है ठीक है ना सीमेंट का जो अपना एक टाइट फन है वो धीरे धीरे होते रहेगा और आपने क्या करना पड़ेगा और आपको जितना हो सके मसाला आपको देना पड़ेगा ये देखिए मैं ऊपर से ठूस के भर दिया बाहर से भी जितना हो सके ये स्टोन मिला हुआ मसाला डालते गया और एक काम कीजिए देखिए एक ही साथ साथ दोनों हाथ में ठीक है ना दोनों हाथ में मैंने सिंगल एक रॉड डाला तो इसमें क्या ये जो सीमेंट का बॉडी होता है उसको काट के उसके अंदर थोड़ा सा मसाला जितना मिनिमम ठीक है ना मतलब ज्यादा मत डालिए मिनिमम क्योंकि बाद में इसको फिनिशिंग करना पड़ेगा हाथ का वॉल्यूम देना पड़ेगा उसमें मसाला डालना पड़ेगा इसलिए जितना होगा मिनिमम आप मसला लेके उसको वायर से बांध दीजिए और अंदर में देखिए ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको भी जितना हो जाए रॉड से ठूस ठूस के इसको कवर कीजिए मतलब एकदम टाइट होना चाहिए ये आर्मेचर बॉडी ठीक है ना उसके बाद आप एक काम कीजिए ये स्टोन वाला जो मिला हुआ मसाला है इसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये आप एक दिन में छोड़ सकते करके और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो एक दिन में थोड़ा और भी काम कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे देखिए सिर्फ सैंड और सीमेंट मिला के मसाला बनाया और जहाँ पे मुर्गा जाली बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है और रॉड भी जितना हो जाए उतना आप ढाक दीजिए ठीक है ना ये आप एक दिन में कर सकते हैं देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जितना अच्छा होगा उतना आप, आप, आप काम स्पीड से कर सकते ठीक है ना क्योंकि आपको देखिए ये एक फिगर है आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा मेहनत ज्यादा होगा ठीक है ना तो कंस्ट्रक्शन सेंस लगा के इसको आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए मसला लगाने का प्रोसेस मैं नहीं दिखा रहा हूँ ठीक है ना क्योंकि ये तो ये सबका मतलब सीमेंट का काम जो बेसिक आप लोग को पता होगा तो आप कर सकते हैं धीरे 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 आप सीमेंट मसाला सीमेंट और सैंड का मसाला आप लगाते जाइए फोटोग्राफ फॉलो करके इसको मतलब जैसा मिट्टी में काम करते उसी हिसाब से आप लगाइए ठीक है ना और डिटेलिंग करते जाइए ये मैंने अलग करके और वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे जो है आप मसाला लगाने का बाद जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था सीमेंट का मतलब म्यूरल का जो झाड़ू होता है उसमें झाड़ू से सफाई करते जाइए और और आप देखेंगे जब एकदम सफाई हो जाएगा उसके बाद आपको और भी फिनिश करने के लिए आप सिर्फ डायरेक्ट सीमेंट का घोला बनाइए ठीक है ना डायरेक्ट सीमेंट का घोला बनाइए थोड़ा सा पतला ज़्यादा मोटा नहीं है पतला करके इसके ऊपर ब्रूस से एकदम सॉफ्ट ब्रूस से लगाइए ठीक है ब्रश से लगाने का बाद आप ये देखिए छोटा जो झाड़ू दिखाई दे रहा है हमारा मिस्त्री भाई है हेल्पर वो छोटा सा झाड़ू लेके आप पूरा सफाई करते जाइए ठीक है ना आप जितना भी सफाई करेंगे मतलब सफाई मतलब ऊपर ब्रश को चलाएंगे उतना आपका सरफेस स्मूथ होते जाएगा ठीक है ना कोई कोई मार्बल डस्ट ये सब यूज करते आप यूज भी कर सकते लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल प्रोसेस है आसान प्रोसेस है और यहाँ पे देखिए हाथ को भी मैंने डिटेलिंग करने के लिए छोड़ के रखा ये दूसरा दिन का काम है मेरा तो दूसरा दिन में इतना ही मैंने किया उससे ज़्यादा नहीं थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और तीसरे दिन में मैंने ये हाथ जो रॉड मैंने छोड़ के रखा ठीक है ना और पैर में भी मैंने दिखा रहा हूँ आपको छोटा करके मतलब वो मुर्गा जाली छोड़ के रखा ठीक है ना तो वो पैर भी नेक्स्ट दिन मैंने बनाएंगे ठीक है ये देखिए ये तीसरा दिन का काम है मैं यहाँ पे भी डिटेल काम करते हुए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ फिलहाल आप लोगों को समझ में आ रहा है ये डायरेक्ट है आपको पेशेंस लगा के करना पड़ेगा ये जो मेन टेक्निक है ये आप लोगों को दिखा रहा हूं जो तो थ्री कैसे बनाए आर्मेचर कैसे होगा प्रोसेस कैसा है बाकी सब जैसा मैंने पिछले वीडियो में रिलीप बनाने का टाइम बनाया सेम है ठीक है सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिए और डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कोई क्वेरी हो क्वेश्चन है आप कमेंट में डालिए फ्रेंड को शेयर कीजिए ठीक है यहाँ पे जो है फेस को मैंने क्ले में बना बनाएंगे ऐसा बोला था तो क्योंकि ये फेस मिलाने का काम है फोटोग्राफ मैच करना पड़ेगा तो इसलिए ये वीडियो मैंने नेक्स्ट आ, वीडियो में डालूँगा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए तो इसका प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डिटेल दिखाऊँगा ये पोर्ट्रेट कैसे मैच करना है किस प्रोसेस से थ्री डी पोर्ट्रेट थैंक यू